नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा समन, 3 नवंबर को होगी पूछताछ। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री पूजा भट्ट, इससे पहले पूनम कौर भी हुई थी शामिल। एलन मस्क ने ब्लू टिक पर लगाया चार्ज, नेताओं और हस्तियों की प्रोफाइल को भी किया जाएगा चेंज। ईरान में नहीं रुक रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री ने कहा आंदोलन करने वाली महिलाएं मानसिक रूप से बीमार। अब खबरें विस्तार से। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री सोरेन को समन जारी किया है और उनको 3 नवंबर को रांची के ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि ईडी अपना काम करेगा और हमारे साथ अन्याय होगा तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। गौरतलब है कि सीएम सोरेन वर्तमान में खुद को खनन पट्टा देने के लिए लाभ के पद के आरोप का सामना कर रहे हैं। अगस्त में भी भारत के चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका पर अपनी राय भेजी थी। हालांकि इस पर अभी फैसला आना बाकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 56 दिनों से जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में फिर से शुरू हुई, जिसमें फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट भी कुछ देर के लिए शामिल हुई। इसी के साथ वहां एक हादसा भी हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन राउत कथित तौर पर पुलिस के धक्के से गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा का 56वां दिन है और तेलंगाना में यह पिछले करीब एक सप्ताह से भ्रमण कर रही है। इस यात्रा में अभिनेत्री पूनम कौर भी शामिल हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी और पूनम कौर की एक तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई और कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क लगातार ट्विटर में कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं, चाहे वो सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल को कंपनी से निकालना हो या फिर सारे फर्जी अकाउंट्स को बंद करना हो। इसी बीच उन्होंने घोषणा की कि अब से ट्विटर पर ब्लू टिक प्राप्त करने के लिए प्रति माह लगभग $8 यानी लगभग ₹600 भरने पड़ेंगे और अलग अलग देशों को देखते हुए इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव भी किया जाएगा। इस फैसले के आने के बाद से लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, जिस पर एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी शिकायतकर्ता शिकायत करते रहें पर इसकी कीमत $8 ही रहेगी। इसी के साथ उन्होंने एक और भी बदलाव किया है, जिसमें नेताओं और बड़ी हस्तियों की प्रोफाइल पर एक सेकेंडरी टैग लगाया जाएगा जो कि उनकी अतिरिक्त जानकारी देगा और ये टैग सरकारों के केवल कुछ आधिकारिक प्रतिनिधियों को ही दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक ये फीचर भारत में नहीं आया है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ उग्र भी होते जा रहे हैं, जिनसे जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें सड़कों पर लोग सरकार और मौलवियों के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन 17 सितंबर को 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद उग्र हो गए। अमीनी की मौत के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, वहीं विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व लड़कियां कर रही हैं। लोगों में सरकार और मौलवियों के खिलाफ काफी गुस्सा है। इसी मामले से जुड़ा एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके सामने एक महिला सड़क पर चलते हुए एक मौलवी के पास जाती है और उसकी पगड़ी उतार कर फेंक देती है। और ऐसी एक अन्य वीडियो में बस स्टॉप पर वहां से गुजरते युवक ने एक मौलवी की पगड़ी को फेंक दिया। ईरान के शिक्षा मंत्री यूसुफ नूरी ने कहा कि हिजाब का विरोध करने वाली स्कूल या कॉलेज की छात्राएं मानसिक रूप से बीमार हैं। वहीं इन विरोध प्रदर्शन में अब तक सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं, इसमें कई 20 से कम उम्र की लड़कियां भी शामिल हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।